हेलो फ्रेंड्स, आज हम C++ की सेकंड क्लास स्टार्ट करेंगे जिसमें हम एक सिंपल प्रोग्राम C++ का बनाएंगे और कुछ बेसिक फंक्शंस देखेंगे कि वो कैसे प्रॉपर्ली वर्क करते हैं। तो अगर उससे पहले आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें और लाइक के बटन को ज़रूर प्रेस कर दीजिए। तो आज हम क्लास स्टार्ट करते हैं। तो पहले हम डेव C++ को स्टार्ट करेंगे, जहाँ जो एक कंपाइलर है, उस कंपाइलर में हम एक C++ का बेसिक सा प्रोग्राम, एक मैसेज प्रिंट करने का प्रोग्राम कंपाइल करेंगे। तो मैं अपने डेव C++ में आ गया, तो मैं एक न्यू फाइल बनाऊंगा। न्यू फाइल बनाने के लिए न्यू के बटन पे आपने फाइल पे जाना है, फिर न्यू पे जाना है और इस सोर्स फाइल शॉर्ट की Ctrl+N। आप अगर अपना कंट्रोल की और जो आपके माउस का रोटेटिंग व्हील है इसको आप रोटेट करें तो ये स्क्रीन जूम इन और ये जूम आउट हो जाएगी। तो अब हम देखते हैं कि हमें क्या क्या प्रॉपर चीज़ें चाहिए एक C++ बेसिक प्रोग्राम बनाने के लिए। सबसे पहले तो एक हेडर फाइल होती है, हेडर फाइल जो कि हैश इंक्लूड डबल ऑपरेटर्स आईओ स्ट्रीम डेव के अंदर ये है। और अगर आप टर्बो C++ में यूज़ करें, टर्बो सी में, तो आयो स्ट्रीम .h होगी, लेकिन हम डेव कर रहे हैं, अगर हम .h लगाएंगे तो एरर आएगा। नेक्स्ट हमारी इसमें है यूजिंग नेम स्पेस stdio, ये हमें लगाना लाजमी है, जो कि इसके लाइब्रेरी को जो हेडर फाइल है और यूजिंग नेम स्पेस stdio है, ये C++ की लाइब्रेरी में जाएगा और उसको अप्रोच करेगा। तो नेक्स्ट स्टेप है इंट मेन, ये एक इंटीजर वैल्यू रिटर्न करने के लिए हमने लगाया है। आप अगर इंट ना भी लगाएं तो फिर भी खाली मेन भी लिखें तो काम हो जाएगा, लेकिन हम इसको लगाते हैं ताकि हमें अंदाज़ा रहे कि एक इंटीजर वैल्यू रिटर्न हो जाए। तो अब हम इससे आगे देखेंगे कि इंट मेन के बाद हमारा नेक्स्ट स्टेप होता है, हमने ये दो कर्ली ब्रैकेट्स लगा देनी है। इसके अंदर हमने सारा जो मेन बॉडी है वो लिखनी है, ये मेन फंक्शन की बॉडी है। तो इसमें हमने एक मैसेज प्रिंट कराना है सी आउट, इसमें डबल ऑपरेटर डालनी है, या आपने ये दो कॉलन डालने हैं और उसमें आपने कोई भी मैसेज लिखने हैं, दिस इज आवर फर्स्ट, दिस इज आवर फर्स्ट प्रोग्राम, और आपने सेमी कॉलन डालने हैं। ये जो है इसका बेसिक सिंटैक्स है। तो इसके बाद आपने देखना है कि नेक्स्ट क्या करना है। आपने इसके बाद लिखना है रिटर्न गेट सी एच, लिख देते हैं गेट सी एच और रिटर्न ज़ीरो सेमी कॉलन डाल दी हमने, ये सब सेव किया इसे फर्स्ट प्रोग्राम। इसमें से हमने गेट सी एच रिमूव किया है क्योंकि इसमें इससे एरर आता है, तो खाली रिटर्न ज़ीरो ही बहुत है। तो अब हम इसको कंपाइल करके देखते हैं, एरर ही देखें, दिस इज़ आवर फर्स्ट प्रोग्राम, ये हमारा एक सक्सेसफुली मैसेज प्रिंट हो गया। तो ये हमारा बेसिक प्रोग्राम था। आगे आपको कोई भी प्रोग्राम चाहिए आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं, तो मैं आपको कोई भी प्रोग्राम सॉल्व करके दे सकता हूँ। बाकी आगे हम देखेंगे, लूप्स देखेंगे नेक्स्ट लेक्चर से, पहले इफ़ एल्स कंडीशन, फिर वाइल डू वाइल और फिर फॉर लूप्स, जो बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं C++ के, जो आपके आगे डाटा स्ट्रक्चर्स तक बिल्कुल जाएंगे, पूरी C++ में हर पॉइंट पे ये यूज़ होंगे। तो अब आज के लिए बस इतने ही, या हमने बेसिक प्रोग्राम देखना था, नेक्स्ट लेक्चर से अब हम देखेंगे इफ़ और इफ़ एल्स कंडीशंस। तो वीडियो देखने का शुक्रिया, थैंक यू।